हाँ, अब कई बार वो तुमसे पूछेगा कि कंपैरिजन बताओ कि इसमें क्या कंपैरिजन होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो कंपैरिजन भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे से पॉइंट बनते हैं और IMUCT में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन पॉइंट से बहुत ज्यादा आते हैं, जो पॉइंट मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, IMUCT के एग्जाम में आते हैं फिजिक्स के 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन वो तुमसे न्यूमेरिकल नहीं पूछ सकता बहुत ज्यादा, वो तुमसे पूछेगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट पूछेगा, क्योंकि टाइम कम रहता है, तो वो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन देता है जो क्विकली तुम कर पाओ वहां पे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये वाले पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, हमेशा याद रखना। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। जैसे पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, अब तुम ए से बी जाते हो, फिर बी से सी जाते हो, ऐसा जा रहे हो, या तुमने कोई ऐसा पाथ ले लिया, ये तो डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे मिल रहा था? डिस्प्लेसमेंट मिल रहा था कि फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट के साथ में ज्वाइन करो और ये बना दो वेक्टर, तो ये हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। और बाकी क्या है, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, अलग अलग जितने भी पाथ होंगे सब डिस्टेंस होंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब देखो, अगर तुम इसी रास्ते से गए तो वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो गया, तुमने कोई दूसरा रास्ता लिया तो डेफिनेटली वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से तो ज्यादा ही होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो मॉड आ रहा होगा उससे तो ज्यादा ही रहेगा। तो ये हमें याद रखना पड़ता है, ये कभी कभी चार ऑप्शन बना के पूछ लेता है कि डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे करके तीन चार चीजें बना लेता है। इसके बाद ये क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी। अब इसका मतलब क्या है यार? अब जैसे सपोज मैं तुम्हें, हो सकता है तुमसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो तुम उसको ऐसे बता सकते हो कि सपोज हमारा शिप जो है किसी हायर, अब जैसे सपोज वो तुमसे पूछते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है कि नहीं, तुम ऐसे बताओ कि सपोज ये शिप है जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, अगर ये यहां से यहां तक गया, मतलब ये इनिशियली पॉइंट ओ पे था, ओ से लेकर के ए तक आया, और ये ओ से लेकर के ए तक का डिस्टेंस था 100 मीटर, तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 मीटर का, और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर का है। लेकिन सोचो कि शिप यहां से यहां तक आया, ठीक है, और फिर यहां से ये इसी पाथ पे वापस चला गया और वापस ओ पे आ गया, तो डिस्टेंस अगर तुमसे पूछा जाएगा तो एक्चुअल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा? 100 प्लस 100 200 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछोगे तो इनिशियल और फाइनल दोनों एक आगे अगर वेक्टर बनाओगे तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, अगर शिप इधर चला गया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करता रहेगा। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, तीनों चीजें भी हो सकती हैं इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है। देन थर्ड पॉइंट पे आते हैं, फॉर मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यूड व्हाइल डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ सो कैन हैव मैनी वैल्यूज। तो अब बात क्या है, अब इसको भी बहुत ध्यान से समझना जो मैंने ऊपर बताया था। डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू होगा, क्यों क्यों होगा? क्योंकि हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर रहे हैं, इसी के अलोंग डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। लेकिन डिस्टेंस अगर हम इस पाथ से गए तो कुछ और मिला, इस वाले पाथ से गए तो कुछ और मिला, तीसरा पाथ यूज किया तो कुछ और मिला, मतलब जितने पाथ यूज कर रहे हो उतने डिस्टेंसेज मिल रहे होंगे। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट के पास सिंगल वैल्यू होता है और डिस्टेंसेज के पास ज्यादा वैल्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, ये तो खैर तुम्हें बता ही दिया मैंने, विद टाइम व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन, वो भी मैंने तुम्हें यहां पे बता दिया इसी एग्जांपल में। नेक्स्ट पॉइंट है, इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू द डिस्टेंस। जनरली ऐसा नहीं होता है कि डिस्टेंस के इक्वल हो, लेकिन इट कैन बी सो इफ द मोशन इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, देखो ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं था, यहां पे हम पहले इस डायरेक्शन में गए फिर इस डायरेक्शन में गए, तो डिस्टेंस ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट से बढ़ चुका था। लेकिन जब मैंने ओ से ए तक का मोशन दिखाया था तब क्या हो रहा था? स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही थी, तब उस मोमेंट पे जितना डिस्टेंस था उतना ही डिस्प्लेसमेंट था। तो जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन में हम
बिना डायरेक्शन चेंज किए एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तब तक हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा. नेक्स्ट है इफ आर ए एंड आर बी आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली एंड फाइनली. जैसे ये है इनिशियल और ये है फाइनल. अब पाथ तुम कोई भी ले रहे हो, ये इनिशियल और ये फाइनल ले लिया मैंने, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे मिलेगा, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, हमेशा याद रखना. डिस्टेंस कैसे मिलेगा, फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर. इसको बिल्कुल अपने नाम की तरह याद रख लो भाई, भूलना नहीं है. जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर, दैट्स इट. और जबकि डिस्टेंस क्या होगा, उस पाथ का लेंथ होगा. ये है, ये डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो ये है. अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इस वेक्टर का मॉड निकाल दोगे तो तुम्हारे पास उसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा. तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देख लिया कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आने का चांस होता है अपने पास.